Assalamu alaikum guys, I am back with another video and today I am doing the Q&A video. So without any wastage of time, let's start. मैंने इसमें क्वेश्चंस जमा कर लिए मोबाइल में, तो I will try to be honest. पहला क्वेश्चन आयशे का, उन्होंने पूछा है, your favorite place in Quetta and Rajasthan. Quetta में अगर देखा जाए तो 2000 years later. क्वेटा में कौन सी जगह है? क्वेटा में ऐसे देखा जाए तो कैंट है, क्योंकि उधर खूबसूरती है, सब कुछ प्यारा है, गंदगी नहीं. और राजस्थान में अगर देखा जाए तो चप्पर रिफ्ट और सियारत. नेक्स्ट क्वेश्चन है रुदास फोटोज, उन्होंने पूछा है व्हाट मोटिवेटेड यू टू मेड अ यूट्यूब चैनल एंड व्हाट इज स्टिल मोटिवेटिंग यू टू कंटिन्यू एम. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, अगर बाहर वैसे पाकिस्तान के कितने 5-6 सूबे, बाहर वैसे पाकिस्तान के कितने 5-6 सूबे, में बलूचिस्तान भी है. अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान उसमें सबसे पीछे है तरक्की में. क्यों? क्योंकि उधर कल्चर ये वो. उसको छोड़े, जब कोई गैर बंदा बात करता है बलूचिस्तान की तो वो ऐसा सोचते हैं भाई उधर सब जाहिल लोग हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है, मिट्टी मिट्टी है, पहाड़ है. मानने की बात है पहाड़ है, लेकिन आप इन पहाड़ों के अंदर छुपा खजाना आके देखो ना. यहाँ पे मुल्ला चतुक है, जियारत है, फिर पीर गैब है, उसके अलावा बहुत सारे और भी पिकनिक पॉइंट्स हैं. तो चप्पर रिफ्ट जैसे हो गया, सरदालू हो गया, नाओड़ा क्वेटा का मशहूर, तो ये सब जो है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं. मेरा मेन मकसद जो है, मतलब देखो, प्रमोट करनी है बलूचिस्तान की ब्यूटी भाई, लोगों को दिखाना है इधर क्या क्या छुपे हुए खजाने हैं बलूचिस्तान में. तो this is what motivated me to make a YouTube channel. Next question है, it's Safo का, उन्होंने पूछा है vlog आप जब बनाते हो, means के कभी हन्ना लेक कभी वली तंगी आप अकेले जाते हो या with friends? मैं वैसे family के साथ जाता हूँ ज्यादातर. वैसे एक दफा school trip पे किया था, उधर भी मैं बनाया था, लेकिन ज्यादातर family के साथ मैं उधर ही पे vlog बनाता हूँ. Next question है अजीजुल्ला का, उन्होंने पूछा है कहाँ busy हो आजकल? प्लेनेट अर्थ पे हूँ भाई, टेंशन नहीं लो, इधर ही हूँ मैं, बिजी नहीं हूँ, बस पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस नायल ने पूछा, उन्होंने पूछा व्हाई यू स्टार्टेड व्लॉगिंग. व्हाई यू स्टार्टेड, बिकॉज हम लोग अक्सर पिकनिक्स पे जाते रहते हैं वीकेंड्स पे ज्यादातर. तो पुराना जब हमारा चैनल था, मैं उस पर अक्सर व्लॉगिंग मैंने उसी पर स्टार्ट की, सो दिस इज द रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल का, उन्होंने पूछा है व्हाट्स द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ क्वेटा वाइन हाउस. ये काफी डिटेल है, आप इसको चाहे तो दथरुज वीडियो भी मेरे देख सकते हैं, उसमें भी मैं बताया. अगर शॉर्ट वर्ड्स में बयान करें तो इसको इस तरह होगा कि अब आपको जब नजर आता है ना भाई, आप एक कश्ती आपके सामने डूब रही है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते बचाने के लिए. तो मुझे भी वही लगा, क्योंकि मैं डायरेक्टर था उस चैनल का, तो मुझे लगा भाई अब ये चैनल ज्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि हर कोई फिर अपनी अपनी मनमानी शुरू हो जाती है. तो मैंने वो चैनल छोड़ दिया, और उस चैनल के बाद जो हुआ आपको पता है, तो वही था उसकी वजह. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस नायल का, योर मोस्ट अनवांटेड थिंग यू डिड. मोस्ट अनवांटेड, सिक्स क्लास में एक दफा हमारे एग्जाम भी नहीं बोल सकते, चले हमारे असेसमेंट हो रहे थे इस्लामिक के, तो उसमें मैंने चीटिंग छिपाई थी और मैं उसे पकड़ा गया था. तो दिस द मोस्ट अनवांटेड थिंग आई डिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है मौकेर हमाद का, उन्होंने पूछा है विल यू डू अ कोलैबोरेशन विद डिसेंट स्क्वाड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट मौकेर एंड सकीब, दे बोथ आर माय कजंस, और उन दोनों का भी चैनल है यूट्यूब पे, और उसका नाम है डिसेंट स्क्वाड. आप उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोस देते हैं आप, चैलेंजेस है, वाइंस है, फिर फनी वीडियोस है, और व्लॉग्स भी हैं. तो आप लाजमी उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो आप जाके इसको फॉलो करें. तो मैं जवाब दे देता हूँ क्वेश्चन का, यस आई विल लव टू डू इट, बिकॉज मेरे भी कभी कभी दिमाग में आता है कि हम मजा आएगा, कोलैबोरेशन करेंगे ये वो, तो यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस नायल का, उन्होंने पूछा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. मेरे वैसे एक बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है जिंदगी में, गली में देखे, मोहल्ले में देखे तो इस्माइल है, स्कूल में देखे तो अदील है, और अगर कजन्स में देखे तो मौकेर, सकीब एंड राफी बेस्ट फ्रेंड्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल का अगेन, उन्होंने पूछा है व्हाट यू डू इन फ्री टाइम। फ्री टाइम में मैं इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया पर इन्हीं में लगा रहता हूँ। यूट्यूब पर मैं अक्सर डिस्कवरीज वगैरह ये देखता रहता हूँ, साइंस में मेरा इंटरेस्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीद का, उन्होंने पूछा है यूट्यूब से कितना कमा लेते हो। यूट्यूब से फिलहाल तो नहीं कमाता, फिलहाल तो मैं स्टार्ट किए तो जब थोड़ा ग्रो होगा इंशाल्लाह कमाएंगे, फिलहाल तो नहीं कमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकीफ हमाद का, उन्होंने पूछा है व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। वैसे तो मेरे कोई बड़े फियर नहीं है, लेकिन मुझे हाइट से बहुत डर लगता है और फेलियर, अभी फेल नहीं हुआ लेकिन अल्लाह भी ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसनाइल का, उन्होंने पूछा है वुड यू रेदर टू बी अ सेलिब्रिटी ऑफ फिल्म वर्ल्ड और यूट्यूब। यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में आप अपनी मर्जी का कंटेंट बना सकते हो, और फिल्म्स में, फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह आपसे बड़े डायरेक्टर होते हैं, फिर उनकी मर्जी पे आपको ये रोल करना है, आपको ये डायलॉग बोलना है, तो यूट्यूब में आप अपनी मर्जी की वीडियो बना सकते हो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स नताशे, इन्होंने पूछा है योर फेवरेट प्लेस फॉर वेकेशन। लाहौर, लाहौर में मेरे कजन्स हैं, इंजॉय, मजा आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तफजुल खान का, उन्होंने पूछा है आपका ब्लॉग बनाने का खुद का आइडिया है किसी से इंस्पायर होके। यही बलूचिस्तान के जो है ना, बलूचिस्तान जिस वजह से पीछे है तो उस वजह को तो रहने दें, लेकिन जो खूबसूरती है उसके, लोग जो उसको एक सिर्फ मैदान समझते हैं पहाड़ का, वो मैंने ट्रॉन्ग प्रूव करने लोगों को, तो दैट्स माय इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल का, उन्होंने पूछा है हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर। माय फेवरेट यूट्यूबर वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो नेट गार्नर है, आजकल मैं उसी की वीडियोस देखता हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, मतलब एक फेवरेट नहीं है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने पूछा उसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता, उन्होंने पूछा है व्हाई यू आर सो बगैरत। आई एम नॉट बगैरत, यू आर बगैरत। मैं कहाँ से बगैरत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाहा, उन्होंने पूछा है हाउ ओल्ड आर यू। आई एम 17 इयर्स ओल्ड, यस। फिर नताशी ने पूछा है व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट क्रिएटिंग द यूट्यूब वीडियो। ये ज़रा अच्छी क्वेश्चन है, देखो सबसे जो पहली चीज़ है ना, आपको सोचना है भाई मैंने वीडियो क्या बनानी है। वीडियो आपने सोच ली, फिर आपने उसके डायलॉग्स डिसाइड करने हैं क्या किस जगह पे बोलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद फिर शूटिंग का पॉइंट्स लेना है, वो एक सिर्फ शूटर को ही पता होता है, कैमरामैन को ही पता है भाई किस एंगल से किस वीडियो को क्या बनाना है। और जब आपके सामने कैमरा आता है तो आपकी जो ना हालत ख़राब हो जाती है, आपकी पहली बात हंसी नहीं कंट्रोल होगी, और उसके बाद शुरू में बहुत मुश्किल होता है, फिर वीडियोस को एडिट करना भी बहुत मुश्किल है, और मतलब आपने एक ऐसी चीज़, एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डन हो। तो सबसे मुश्किल चीज़ जो है मेरे अंदाजे से एक्टिंग है, बाकी चीज़ें फिर भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स नताशी का, उन्होंने पूछा डू यू स्मोक। नो, I don't smoke. Next question है Miss Nile का, उन्होंने पूछा है who is your biggest supporter related to your channel? Biggest supporter Miss Nile ही है, क्योंकि वो मुझे आइडियाज अक्सर देती हैं कि आप इस तरह करो, अक्सर मेरे कैमरामैन भी बन जाती हैं, तो एड भी मेरे साथ करवाती हैं, तो शी इज द बिगेस्ट सपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Miss Nile का अगेन, उन्होंने पूछा है most important person in your life after parents. Again, she is the most important person because she is my sister and she supports me in every matter, no matter what happens. और वो अक्सर मेरी वीडियोस एडिट करवाती है, मेरी कैमरामैन बनती है, मुझे आइडिया देती है भाई इस तरह करो उधर करो, तो she is the most important person. Next question Miss Nail का again, उन्होंने पूछा है who is your crush? इसका जवाब मैं आपको इधर नहीं देता क्योंकि पर्सनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स नताशी का, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट वाईफाई नेम यू हैव एवर सीन। एकदम हमारे इधर घर के पास है रजाक डिपार्टमेंटल स्टोर, उधर मैं खड़ा होता एक दफा तो चेक कर रहा था फ्री वाईफाई मिल जाए, तो उधर मैं देखा उधर था असगार्ड नाम, असगार्ड थोर की जो होमलैंड है उसका नाम असगार्ड है, तो उसका था। और भी बहुत सारे इंस्पायर मेरे दोस्त ने रखा हुआ है, दूर दूर है, और मैंने अक्सर देखा है भाई अपना पासवर्ड लगाओ
बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फजल खान का, उन्होंने पूछा आपका रियल नेम भी रमील है? नहीं, मेरा नाम अशफाक है। कौन अशफाक मियां? अशफाक मियां के बड़े मजाकियो, बड़े मजाकियो। जाहिर है भाई मेरा नाम रमील है, अब क्या हो गया। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है तफजुल खान का, उन्होंने अगेन पूछा है न्यू वीडियो कब अपलोड करोगे? दैट्स द न्यू वीडियो, और आप ये देख रहे हो। टाइम लगेगा मुझे क्योंकि मेरा भी एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, तो मैंने उसकी तैयारी करनी है, हो सकता है कि थोड़ा लेट वीडियोज आए। दैट वॉज माई टूडेज Q&A वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपके कोई और क्वेश्चन है मेरे चैनल के मुताबिक, मेरे मुताबिक, तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ होगा, उसको भी आप फॉलो करें, आप उसमें भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन और कमेंट्स में भी। और वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे कज़न का चैनल है डिसेंट स्क्वाड, मैंने लिंक दिया हुआ होगा उसका भी, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।